YouTube चैनल उमर सैन व्लॉग्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर ऐड होते हैं तो मैं अपने सब्सक्राइबर का अपने चैनल में नाम जरूर मेंशन करती हूँ और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देती हूँ। तो कल जो है मेरे दो सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं, तो जो सबसे फर्स्ट टाइम सुल्तान डांगी, तो ये भी काफ़ी अच्छे वीडियो वगैरह डालते हैं, तो आप इनके चैनल पर भी रिव्यू कर सकते हैं। और सेकेंड है नीलम, तो ये भी दीदी काफ़ी अच्छी वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो इनके चैनल पे भी आप जाकर इनकी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इनके चैनल का, सॉरी वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनके चैनल का भी रिव्यू कर सकते हैं अगर आप रिव्यू करना चाहते, तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कल 5 सितंबर था, तो 5 सितंबर को क्या हुआ था, 5 सितंबर को पतिदेव मेरी लाइफ में आए थे। तो कैसे ये मेरी लाइफ में आए, क्या रहा, तो ये मैं ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जॉब करती थी और सरकारी हॉस्पिटल में मेरी ट्रेनिंग लगी हुई थी, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ पे मैं 2 बजे तक रहती थी, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का मेरा वहाँ पर था। तो वहाँ पे क्या करना होता था, वहाँ पे जो भी स्किन के प्रॉब्लम होती है तो स्किन की प्रॉब्लम को हम देखते थे। मेरे डॉक्टर ने हमें इस लायक बनाया हुआ था कि कोई भी पेशेंट हो, कि जो फीमेल होती थी उनको ज़्यादातर हम ही चेक करते थे, अगर डॉक्टर नहीं होते थे तो मेडिसिन भी हम खुद ही लिखते थे। वैसे तो डॉक्टर के सामने भी हम मेडिसिन खुद ही पेशेंट को लिख के देते थे, मीन्स इतना अच्छे डॉक्टर थे। हमें इस लायक बनाया हुआ था कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम को देख के उनको खुद से मेडिसिन लिख सकें। और मेरा जब मैं सुबह जाती थी ना, सुबह का मेरा काम क्या होता था, सुबह मैं जाके जो भी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती थी तो मैं सुबह सभी को कॉल करके वो दवाइयाँ ऑर्डर करती थी कि जो भी दवाई ख़त्म है, जिसकी भी दवाई, जो भी दवाई हमें चाहिए अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास, तो मैं उन सभी दवाइयों को सुबह ऑर्डर करके मंगवा लेती थी। और मीन्स मेरा सुबह जब मैं आती थी हॉस्पिटल, सुबह का मेरा सबसे पहला काम यही रहता था कि जो भी मेडिसिन नहीं है वो सभी चेक करना, उनकी लिस्ट बनाना कि ये हमारे पास नहीं है और ये हमारी इतनी रह चुकी है हमारे पास, तो मैं सभी को मंगवाती थी। तो मीन्स काफ़ी अच्छा जो था मेरा वहाँ की जॉब जो थी चल रही थी। और जो सेकंड, उसके बाद मैं जाती थी सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में मैंने लैब का डिप्लोमा किया हुआ, तो वहाँ पर मैं लैब की ट्रेनिंग नहीं वहाँ पर चल रही थी। जब मेरी लैब की ट्रेनिंग चल रही थी तो क्या हुआ था, तो घर से मुझे कॉल आई, मेरे पापा ने मुझे कॉल की, तो आप उनका चैनल का भी रिव्यू कर सकते हैं, मेरे पापा के, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप उनके चैनल पे देख सकते हैं। और जो उनकी जो वीडियो होती है, भी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होती है, मीन्स कोई भी वीडियो ऐसी नहीं आपको मिलेगी कि जो किसी के काम ना आए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिली होती है जो हमारे काम आने वाली हो, तो आप उनके चैनल का भी रिव्यू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया गया है। तो क्या हुआ, तो पापा ने फ़ोन किया, कहते हम ना मीन्स हॉस्पिटल आ रहे हैं, मीन्स मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था, क्योंकि इतना उस टाइम मेरे पास जो फ़ोन था ना वो भी सिर्फ कीपैड वाला फ़ोन था, तो मीन्स मेरा ध्यान नहीं है क्या था कौन सा नहीं था। तो 2017 में जो था हमारा रिश्ता हुआ था और 2018 में हमारी शादी हुई थी। तो फिर घर से फ़ोन आया, कहते हमारे मुझे प्रॉपर से सुनाई नहीं दिया क्या कहा क्या नहीं कहा, तो भाई इतने में क्या हुआ, तो मैं अपने नाखूनों को ऐसे ऐसे करने लगी, जो नेल पेंट लगा हुआ था नेल पेंट में उतारने लगी, और मुझे थोड़ी सी टेंशन सी हुई मीन्स कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिर कहीं मैं 3-4 गिलास मैंने पानी के पी लिया और मेरी फ्रेंड कहती क्या हुआ, तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, मैं क्या घर से कॉल आई है और समझ मुझे आई नहीं, इतना पता है कि घर से आ रहे हैं। तो जब घर पापा और आ गए तो कॉल आई, कहते उमा बाहर आना, कहते हम हॉस्पिटल आए हैं। तो फिर देखा कि पापा थे, बापूजी थे, और जो जिन्होंने मेरे रिश्ता कराया है मेरी बुआ जी लगती हैं, तो वो भी थी साथ में। तो फिर मैंने सबको नमस्ते की, तो कहते तो बुआ बोली कि तुझे ना ये लड़कियाँ देखने के लिए आए हुए हैं, तो मैं एकदम से घबरा चुकी, समझ में नहीं आया कुछ भी। तो बच्चे वो मुझे पूछते कि तेरा दुपट्टा कहाँ पे, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में वो करते हैं ना तो आपको पता होगा कि वहाँ पे दुपट्टा नहीं हम लेके रखते, वहाँ पे लैब कोट डाला होता, मीन्स अप्रैल
पैड्स को बोलते हैं, तो उसमें हम अपने पेन वगैरह कॉटन सिरिंजेस ये सब हम उसमें रखते थे। तो हॉस्पिटल में मेरा जो हॉस्पिटल की बैक साइड पार्क जो बना हुआ था वहाँ पे हमारा सगन पड़ा उस दिन। तो मीन्स अचानक से हमारा जो है रिश्ता हुआ, मीन्स समझ में नहीं आया। तो थोड़ी बहुत देर मीन्स मैंने इनको उस टाइम पे ध्यान से देखा भी नहीं था, तो मैं घर जाके सोचती कि मैंने तो भाई ध्यान से देखा भी नहीं है। और हम पूरे रास्ते जब इनकी बाइक हमारी बाइक के पीछे थी, हमारी बाइक आगे थी, तब भी मैंने ना इनको पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो और तब इन्होंने मुझसे नंबर ही मांगा था, तो मैंने इनको नंबर से भी मना कर दिया था, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया था इनको, और इनका भी मेरे पास नहीं था। तो मीन्स रिश्ता होने के 3-4 महीने हमारी कोई बात नहीं हुई कोई, तो फिर उसके बाद क्या उसके बाद आया। मीन्स मुझे थोड़ा सा वेट होता था कि उनका ना यही रूट पड़ता है, शायद वो इसी रूट से अपने घर आते, क्योंकि ये ना मोहाली जॉब करते थे। तो मीन्स मुझे ये होता था कि शायद ये ना इसी रूट से आते हो, तो मुझे थोड़ा सा इंतजार सा रहता था कि शायद मुझे मेरी छुट्टी हो, छुट्टी हुई है इस टाइम पे और उनके आने का टाइम है, तो शायद कि अब तो मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, कहीं मुझे नज़र नहीं आते थे ये। तो फिर शायद रिश्ता होने के 4 महीने बाद हमारी बात हुई, तो बीच में आया करवा चौथ पड़ा बीच में, तो मुझे ना पूरा दिन वेट रहा इनके फ़ोन का, मैं कि अब तो शायद उनका फ़ोन आए, उनके पास मेरा नंबर कहीं से उन्होंने लिया हो, कि अब तो उनकी कॉल आई हो। बट नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, कोई कॉल नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। तो डैडी मेरे पापा के पास किसी का फ़ोन आया, तब भी उस दिन उनके पास ना कहीं फ़ोन आया, तो मुझे बार बार ये लगता था, मम्मा कहते कहते शायद उनका फ़ोन आ गया। तो मीन्स मैं थोड़ी सी खुश हो जाती, मैं कि शायद उनका फ़ोन आया होगा, तब भी कोई फ़ोन नहीं आया। मीन्स पूरा दिन मेरा ऐसे निकल गया वेट करते करते। मैं सोचती मैं कमाल है, बंदे ने पूरे दिन फ़ोन नहीं किया, किसी से नंबर ले लेते, सोच लेते कि अब तो मैंने भी व्रत रखा होगा। तो फिर उसके भी काफ़ी टाइम के बाद जब हमारी बात हुई किसी भी तरीके से जैसे कैसे करके, तो उसके बाद हमारी जो थोड़ी बहुत ही बातचीत थी वो स्टार्ट हुई। तो जब भी ये हफ्ते में 2 बार दो हफ्ते के बाद अपने घर आते, तब हमारी मुलाकात जरूर होती थी। मीन्स महीने में 2 बार हमारा मिलना जरूर होता था। जब भी मैं हॉस्पिटल में होती थी तो ये मुझे हॉस्पिटल में मिलके जरूर जाते थे, और मैं इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर बना के लेके आती थी। तो एक दिन हम संडे को ही मिला, संडे को जब हमारी बात होने का फर्स्ट मुलाकात थी, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट मुलाकात की पिक्चर है। तो मैंने कहा मैं क्या आपको कुछ खाना है तो मुझे बता दो, मैं बना के ले आती हूँ। तो ये कहते हैं जो तुझे सबसे अच्छा आता है तो वो तुम वो बना के ले आ। तो मैंने इनको कहा मैं क्या मैं कढ़ी चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं कढ़ी चावल लेके आती हूँ आपके लिए। तो ये कहते कहते नहीं कढ़ी चावल नहीं, मैं फिर मैं नमकीन चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं नमकीन चावल लेके आ जाती हूँ आपके लिए। तो ये कहते चलो ठीक है, तो नमकीन चावल ले आना। तो फिर मैंने इनके लिए नमकीन चावल लेके गई थी बना के, तो फिर इन्होंने नमकीन चावल खाए, और उसके बाद तो हमारी थोड़ी थोड़ी मुलाकातें स्टार्ट हुई। ऐसे करके हमारे जो रिश्ते होने के बाद शादी तक का टाइम था वो 7 महीने थे, तो 3-4 महीने हमने ऐसे निकाल दिए। तो बीच के जो बाद लास्ट के 4 महीने बचे थे, 4 महीने में हम जरूर एक दूसरे से मिलते थे, महीने में 2 बार जब इनको आना होता था या जाना होता था तो ये जरूर मिल के जाते थे। और बस ये थी मेरी लाइफ की। और शादी से पहले की लाइफ की अगर बात करें तो बहुत अच्छी होती है। वो कहा जाता है ना कि बेटियां माँ बाप के घर पे ही ऐश करती हैं, तो इतना माँ बाप के घर है तो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करें। क्योंकि शादी से पहले क्या होता था, अगर संडे के दिन भी होता था तब भी मेरी आईज पे आईलाइनर लगा होता था, संडे के दिन पफ किया होता था। और जब से शादी हुई आप खुद देख सकते हैं, कोई आईलाइनर नहीं मिलेगा, कोई पफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है तब से। क्योंकि जो शादी के पहले किया जाता भी वो शादी के बाद नहीं किया जाता, चलो किया भी जाता है तो 7 मंथ मैंने बिल्कुल इंजॉय किया। मीन्स पूरा मेकअप वगैरह मैं करती थी अच्छे से, जैसे आईलाइनर लगाना पफ वगैरह करना सब कुछ मैं करती थी। तो बच्चों के जब हमारी फैमिली आगे बढ़ी, तो मीन्स जब हमारी लाइफ में ये धानवी और छोटू आ गया, तब से तो बिल्कुल ही बंद है मेकअप वगैरह करना। आपने मेरी वीडियो में शायद देखा भी होगा कि मेरी वीडियो में कुछ इतना मेकअप नहीं मिलेगा, और आप शादी से पहले की फोटोज देख सकते हैं, तो आप इनसे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7
मैरिड लाइफ क्या होती है और शादी के बाद की लाइफ क्या होती है, क्योंकि हमारे जो लाइफ के 4-5 साल होते हैं वो बिल्कुल बच्चों के नाम होते हैं। 4-5 साल के बाद मैं फिर से वैसी बनूंगी जैसी पहले थी, मींस आईलाइनर लगाना, स्मिट के तैयार होना अच्छे से। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी, और जो दो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी अपने नाम सुन लिए होंगे। तो अभी करते हैं वीडियो का एंड, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स। हाँ बाय बाय करो जीवन, ये मेरा छोटू शेर छोटू छोटू बेबी, तो बाय।